स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि तुर्की जो देश है उसने अपना नाम चेंज करके तुर्की कर दिया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अभी ये जो तुर्की जो था अभी तुर्की नहीं रहा, अभी तुर्की हो गया है दोस्तों। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने तुर्की का नाम ऑफिशियली चेंज कर दिया, जिसको अब क्या कर दिया, तुर्की कर दिया गया। ये नाम चेंज करने के लिए दोस्तों तुर्की सरकार द्वारा ही कहा गया था, जो कि कहा था दिसंबर 2021 में। तुर्की सरकार ने एप्लीकेशन डाली इस यूनाइटेड नेशन में, जो कि अब एक्सेप्ट कर ली गई है और इसका नाम ऑफिशियली चेंज हो गया। मतलब जहाँ भी डॉक्यूमेंट में आप तुर्की का नाम देखेंगे वो चेंज हो गया दिखेगा, आपको तुर्की दिखेगा। दोस्तों तुर्की के प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया था एक बार, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुर्की वर्ड जो है उनके कल्चर को, उनके सिविलाइजेशन को और उनके जो तुर्किस नेशन की वैल्यूज़ हैं उनको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। इस स्टेटमेंट के बाद जब उनका स्टेटमेंट आया, उसके बाद से ही इसका नाम जो है चेंज करने की प्रोसेस शुरू हो गई। हालांकि दोस्तों इसके पीछे एक रीज़न और भी है। जब तुर्की देश नहीं बना था उससे पहले से ही, मतलब तुर्की को एक एक जो बर्ड है उसका नाम दिया गया था तुर्की। ये जो बर्ड है मुर्गे जैसा दिखता है, उसको भी मतलब तुर्की नाम से ही जाना जाता है। और साथ ही इसके पीछे का एक रीज़न और बताऊँ तो तुर्की का जो मीनिंग होता है, तुर्की का मीनिंग होता है एक मूर्ख या स्टूपिड या सिली टाइप का पर्सन। और यह कोई सी भी जो अनसक्सेसफुल, बहुत बुरी तरह से जो फेल हो जाती है, इसको बोलते हैं अनसक्सेसफुल चीज़ जो होता है उसको बोलते हैं तुर्की। मतलब तुर्की का मीनिंग वन सक्सेसफुल चीज़ या मूर्ख या स्टूपिड टाइप का पर्सन। दोस्तों यही कारण है कि तुर्की का नाम चेंज करके तुर्की कर दिया गया है। इस टॉपिक पे आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। Hey mom, I just landed. Oh, hello, Turkey. Hello, Turkey. तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।